नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में जो टकराव चल रहा है उस बारे में। कंगना रनौत और शिवसेना का विवाद कंगना रनौत के उस एक बयान से शुरू हुआ था जहां उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके से कर दी थी। उसके बाद शिवसेना के लीडर संजय राउत ने भी बहुत सारे बयान दिए और कंगना के मुताबिक संजय राउत ने उन्हें धमकी भी दी थी कि वो मुंबई वापस ना आए। इसी वजह से कंगना ने वापस एक बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने फिर से बोला था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो गया है। कंगना के इस बयान के बाद शिवसेना की तरफ से भी इसकी काफ़ी आलोचना हुई और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो कंगना को यहाँ नहीं आना चाहिए और अगर वो पीओके ही जाना चाहती है तो वो जाए, खर्चा हम करेंगे। इस बयान के बाद कंगना रनौत भी काफ़ी भड़क गई और उन्होंने एक बयान दिया था कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। और इस बयान के बाद बीएमसी भी इस वॉर में एक्टिव हो गई और बीएमसी ने कंगना रनौत का जो ऑफिस है वो भी तोड़ डाला है। अभी सभी को पता ही है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बदले के भाव से ही हुई है। कंगना रनौत आज मतलब 9 सितंबर को मुंबई वापस पहुंच रही है और उनके वापस पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। हालांकि कंगना के वकील ने इस केस के बारे में हाईकोर्ट में अपील की है और अभी हाईकोर्ट ने इस मामले को मतलब बीएमसी के कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। बट इससे पहले बीएमसी अपनी कार्रवाई कर चुकी थी और कंगना के ऑफिस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बीएमसी के मुताबिक कंगना के दफ्तर में जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं वह इस प्रकार है। कंगना के ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध तरीके से ऑफिस केबिन बना दिया गया है। दूसरा, ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में अवैध तरीके से किचन का निर्माण किया गया है। तीसरा, अवैध निर्माण कर सीढ़ियों के बगल में स्टोर रूम में और पार्किंग में टॉयलेट बनाए गए हैं। चौथा, ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री का निर्माण भी किया गया है। पांचवा, फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन कर अवैध तरीके से कमरा और केबिन बनाया गया है। सिक्स, फर्स्ट फ्लोर पर चौक एरिया में टॉयलेट का निर्माण अवैध है। सेवन्थ, फर्स्ट फ्लोर पर अवैध तरीके से आगे की ओर एक स्लैब का निर्माण किया गया है। एट्थ, सेकेंड फ्लोर पर सीढ़ियों की दिशा और जगह बदल दी गई है। आगे है सेकेंड फ्लोर पर बालकनी को बैठने की जगह में शामिल कर दिया गया है। पार्टीशन की दीवार तोड़ी गई है और उसको बैठने की जगह बना दी गई है। तो ये सारे बीएमसी ने अवैध निर्माण बताए गए हैं जो कि कंगना के ऑफिस में किए गए हैं। जेसीबी और हथौड़े लेकर बीएमसी तो सुबह ही कंगना के ऑफिस में पहुंच गई थी और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और अभी खबर ये भी मिल रही है कि कंगना रनौत अगर मुंबई आती है तो बीएमसी उनको फोर्सफुली क्वारंटाइन भी कर सकती है। कंगना रनौत के ऑफिस पर अभी बहुत कड़ी सुरक्षा है, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात है। एयरपोर्ट पे भी कंगना की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और जैसे कि आपको पता ही है कंगना को Y2+ लेवल की सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने प्रोवाइड की है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये बयानों की वजह से एक तरह का युद्ध छिड़ गया है कंगना और शिवसेना के बीच और इसमें कंगना के ऑफिस को बेवजह ही खींच लिया गया है। वही फिर से कंगना का एक बयान आया है और उसमें कंगना ने अपने ऑफिस को अयोध्या बताया है और उस पर जो जिन्होंने कार्रवाई की है उन्हें बाबर की सेना बताया है। अभी भी ये जो युद्ध है कंगना और शिवसेना के बीच वो लंबा चलेगा ऐसे आसार है। बट अभी अपने देश में हालत क्या है, कोरोना फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है और अभी ये नया ही कुछ रुख हमें देखने मिल रहा है। क्या ये सही है दोस्तों? क्या कंगना के ऑफिस पे बीएमसी ने जो कार्रवाई की वो सही है? क्या कंगना ने जो ट्वीट्स किए शिवसेना और महाराष्ट्र पे वो सही है? इसका जवाब अपने हिसाब से हम एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।